नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टॉपिक चैप्टर नंबर 16 ट्रायंगल्स. ठीक है बेटे, ट्रायंगल्स हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं. तो ट्रायंगल क्या होता है, यहां पर देखो, लेट ए बी सी बी द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन द फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी ए इज कॉल्ड अ ट्रायंगल और विद द वर्टिसेस ए बी सी. ठीक है, सो सच ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ट्राइंगल का सिंबल ये वाला ट्राइंगल का सिंबल होता है. ठीक है, तो ट्राइंगल की यहां पर मैंने आपको ड्रॉ करके रखी हुई है. आई हैव ड्रॉन ऑलरेडी द फिगर फॉर यू. यहां पर देखो व्हाट इज द ट्राइंगल. तो ट्राइंगल में देखो ये आपकी ट्राइंगल है. ठीक है, यही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर ना हो. ठीक है, तो ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे जिनको आपने ज्वाइन किया. तो यहां पर थ्री लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी बी सी एंड सी ए. थ्री लाइन सेगमेंट्स जब ज्वाइन हुए तो ये ट्रायंगल बन रही है. ठीक है, अब तो ट्रायंगल के थ्री वर्टिसेस हैं. वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, ये वन टू थ्री वर्टिसेस हो गए. और इसी के एंगल्स भी थ्री होते हैं ट्रायंगल के, ये वन एंगल टू एंगल एंड द थर्ड एंगल. तो थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं एंड थ्री वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल. नाउ आपके पास, आपने ये सब पहले पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट हमने करना है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती है, हमने जब टू ट्राइंगल्स ले ली, या देखिए तो मैंने टू ट्राइंगल्स ले ली. कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी दो ट्राइंगल्स, अगर देखो ये वाली एक की साइड जो है दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ये वाली साइड ले ही बी ए ए बी ली, तो साथ में ही हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, डी ए डी ई. तो ए बी के इक्वल क्या हो गई, डी ई. इसी तरह से ए सी के इक्वल क्या हो जाएगी, डी एफ. फाइन, सिमिलरली अगर हमने बेस लिया बी सी के इक्वल क्या हो जाएगी, ई एफ. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है दिस कॉरेस्पॉन्डिंग बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई एफ हुई. ई एफ एंड बी सी इक्वल हो गई, बी ए एंड डीई इक्वल हो गई, सेम ए सी एंड डी एफ इक्वल हो गई. ठीक है, तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो हैं ये इक्वल होती है टू ट्राइंगल्स की, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. बेटा इससे रिलेटेड आपने जो है इस टॉपिक कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड चैप्टर आपके सेवंथ ग्रेड में ये पूरा चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का. ठीक है, तो यहां पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही थी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की. सो नेक्स्ट हमने करना है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. तो अलग अलग तरह की ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स. सबसे पहले हमने करनी है ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स. ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने फिफ्थ ग्रेड में भी की होगी, इफ आई रिमेम्बर. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये देखो यहां पर ए बी सी मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली हुई है. ठीक है, इसमें क्या होगा, एक साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, फाइन, इज इक्वल टू सी ए. ठीक है, ये तीनों के तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है. और इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान क्या होगी, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. हर एंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का होता है. ठीक है, नेक्स्ट आ गई आपकी आइसोसेलस ट्रायंगल. आइसोसेलस ट्रायंगल अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, ये आपकी आइसोसेलस ट्रायंगल है डीईएफ, जिसमें दो साइड्स इक्वल है. ये दिस डीई इज इक्वल टू डीएफ. ठीक है, तो ईएफ जो है अलग है, डिफरेंट साइड होगी ये. और यहां पर जो बेस के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल एफ. ये दो आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, ये हो गई आपकी आइसोसेलस ट्राइंगल. नेक्स्ट वाली ट्राइंगल है स्केलन ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल में ये इस तरह की कुछ होगी. स्केलन ट्राइंगल अ ट्राइंगल हैविंग थ्री साइड्स डिफरेंट, साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ. तीनों की तीनों ही साइड्स जो हैं वो डिफरेंट लेंथ की होंगी. ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइड्स जो हैं अलग अलग होंगी, एक साथ नहीं, एक जैसी नहीं होंगी. मतलब ये जो ट्राइंगल है इसमें कोई भी साइड एक जैसी नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड
स्केलन ट्राइंगल। नाउ अगले वाला है आपका ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। पहले थी हमारी ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड, यहां पर हमारी ट्राइंगल्स हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, अब फर्स्ट वाला है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल होती है अ ट्राइंगल ईच ऑफ हूज एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री से स्मॉल होता है उसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, जिसमें हर एंगल जो है 90 डिग्री से स्मॉल होगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब देखो यहां पर एग्जांपल दे दिया आपको, जो हर एंगल यहां पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 55 डिग्री है, मतलब इसमें जो हर एंगल है वो 90 डिग्री से स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, अब राइट एंगल का मतलब है एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ये स्ट्रेट होता है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ हूज एंगल इज मेजर 90 डिग्री, जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह से नेक्स्ट वाला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब है द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ट्राइंगल वन ऑफ हूज एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब यहां पर देखो एग्जाम्पल दे रखी है, इसमें एक एंगल क्या है 120 डिग्री का है विच इज ग्रेटर देन 90, तो उसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नॉट डूइंग एक्सरसाइज 16A। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 72 डिग्री एंड 58 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द थर्ड एंगल। आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स ही होते हैं, 2 एंगल्स दे रखे हैं 72 एंड 58, फाइंड आउट क्या करना है थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम टोटल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है बेटा, ये आपने लर्न याद रखना है बाय हार्ट। ठीक है, ये आपका हायर क्लासेस में ये चीज यूज होगी। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब हम टोटल करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो गिवन 2 एंगल्स हमारे पास है 72 डिग्री एंड 58 डिग्री। ठीक है, अब हमने थर्ड एंगल जो हमने फाइंड आउट करना उसको हमने एक्स मान लिया, लेट द थर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, 72 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 130 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स डिग्री इज इक्वल टू, अब यहां पर ट्रांसपोजिशन हो जाएगी, 130 डिग्री जो है ये प्लस वाला है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। 180 माइनस 130 दैट इज 50, तो थर्ड एंगल आपके पास क्या आ गया 50 डिग्री का। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 1:3:5, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। ठीक है, अब देखो जो आपने क्या करना है, रेशियो वाला यहाँ पर चैप्टर हमने अभी रिसेंटली किया है वही हमने यहाँ पर यूज करना है। तो गिवन रेशियो है 1:3:5। ठीक है, अब हमने क्या मान लिए, एंगल्स मान लिए विद द वेरिएबल एक्स, लेट द एंगल्स बी, ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं 1x, ठीक है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, जरूरी नहीं है आपने x लेना, यू कैन टेक एनी लिटरल। ठीक है, कोई भी लिटरल आप ले सकते हो, लिटरल मतलब अल्फाबेट a b c d z टिल z, पर हमने मैंने यहां पर x एज्यूम किया, तो वी आर टेकिंग 1x 3x। यहां पर देखो ये डिग्री मैंने इसलिए लगाया, जो एंगल है उसकी उसका सिंबल क्या होता है, एंगल को डिग्री से मेजर करते हैं, एंगल को इस तरह से रीड किया जाता है, तो एक्स डिग्री। ठीक है, ये छोटा सा जो सर्कल लगाया है दैट इज डिग्री, 3x डिग्री एंड 5x डिग्री। ठीक है,
अब हमें ये पता है एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स जो है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री, यही हमने यहाँ पर यूज करना है। तो ये जो तीनों एंगल्स हमें बनाए हैं ट्राइंगल के, इनको प्लस कर दो, 1x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन x x एक जैसे हैं वेरिएबल्स एलजेब्रा में, कैसे करते हैं इनको प्लस कर दो, 9x हो जाएगा, 1 प्लस एक्स को रहने दिया, तो जो नंबर्स हैं जो कांस्टेंट नंबर हैं उनको ऐड कर दो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 इज 9, तो क्या आ जाएगा 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री ओवर 2 ओवर 9, दैट इज 9 टू 18 होते हैं तो 20 डिग्री आ गया, x की वैल्यू 20 आ गई। अब यहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आपको पता है कैसे करनी है हमने, तो टू एंगल्स क्या हो जाएंगे, द एंगल्स विल बी 1x का मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 20x, 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 टू 6 दैट इज 60 डिग्री, 5x का मतलब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 100 डिग्री, तो एंगल्स हो गए 20 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री। अब आपने एक और चीज नोट करनी है कि इनको प्लस करके कि आपके पास 180 डिग्री आ रहा है, ये आपने चेक करना है। देखो 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 100 क्या होता है 180, दैट मींस हमारा क्वेश्चन क्या है करेक्ट हो गया कि हमने ये तीनों के तीनों ट्राइंगल्स के एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।